गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो अध्याय चल रहा है वो जल संसाधन का अध्याय चल रहा है और जल संसाधन के अंतर्गत अपन राजस्थान में जो प्रमुख रूप से जिन स्रोतों का निर्माण किया गया है उसका अध्ययन कर रहे हैं। जो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है उसको अच्छी तरीके से अध्ययन करें और उसके नोट्स भी तैयार साथ में करें। तो आज का जो अपना प्रमुख जल स्रोत है वो प्रमुख रूप से पहला जल स्रोत है टांका। टांके के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि प्रमुख रूप से ये जो टांका है वो कौन से क्षेत्र में बनाया गया है, प्रमुख जिले कौन कौन से हैं और प्रमुखतः इनका निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या होते हैं और किन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। प्रमुख ध्यान रखना, इन जल स्रोतों का निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पे पानी की कमी हो, दूसरी बात सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं हो, पेयजल के लिए शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो, पशुओं के लिए पीने के लिए जल की व्यवस्था न हो। प्रमुखतः उन स्थानों पे इन जल स्रोतों का निर्माण किया जाता है ताकि जब वर्षा आए तो उस वर्षा की बूंद बूंद को संचित किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके और वो पानी है व्यर्थ बहता हुआ नष्ट न हो जाए। क्यों बहता हुआ जल है जो बर्बाद हो जाता है, मिट्टी मिल जाता है, कचरे वगैरह में हो जाता है और अन्य कुछ अपशिष्ट पदार्थ उसमें मिल जाते हैं, तो पानी वो किसी उपयोग का नहीं रहता। लेकिन उसको एक उचित संसाधन में स्रोत में अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वह काफ़ी समय तक चलता है और जब ग्रीष्म ऋतु का समय आता है जब पानी सूखने लग जाता है तो इस पानी का उपयोग किया जा सकता है। अब बताते टांका है वो प्रमुखतः किन क्षेत्रों में बनाया जाता है। तो ध्यान रखना कि पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें ये जल संरक्षण का प्रमुख स्रोत है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण, जल की सुरक्षा करना और उसको बचाने के लिए पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर टांके का निर्माण किया गया है। अब कि इसके अंतर्गत प्रमुखतः कौन कौन से जिले आते हैं तो ध्यान रखना नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, बूंदी और राजसमंद, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे टांकों का निर्माण है वो अधिक मात्रा में किया जाता है, अधिक संख्या में किया जाता है। बात आती है कि जो टांका है इसका आकार कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है। तो प्रमुखतः जो टांकों का निर्माण किया जाता है वो गोलाकार और चौकोर आकृति लिए होते हैं। गोल और चौकोर आकृति होने के कारण क्या है, इसमें पानी है तो काफ़ी गहराई तक इकट्ठा किया जा सकता है। बात आती है कि ये किस प्रकार से इन टांकों का निर्माण होता है, तो जमीन में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोद के इसका निर्माण किया जाता है। कितना गहरा गड्ढा खोद के, 5 से 6 मीटर गड्ढा खोद के इसकी आकृति बाद में चौकोर या गोलाकार इसको दे दी जाती है। बात आती है कि जो इसका ऊपरी भाग होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है गोलाई का, वो किस चीज़ से निर्मित होता है, किस चीज़ से उसका निर्माण किया जाता है। ध्यान रखना कि पत्थरों और सीमेंट से निर्मित होता है, वो ऊपर का जो हिस्सा होता है इसका वो किससे निर्मित होता है, पत्थरों से और सीमेंट से, ताकि क्या है कि काफ़ी समय तक इसमें कोई मरम्मत का कार्य नहीं करवाना पड़े, काफ़ी समय तक इसकी सुरक्षा नहीं करनी पड़े, पशुओं वगैरह से सुरक्षा इसकी हो जाए और कोई आसपास में जो पशु वगैरह या कुछ छोटे जानवर वगैरह घूमते हैं उसके अंदर नहीं गिरे। बात आती है कि घर की छत या ऊंचे स्थान का पानी, टांकों का निर्माण है वो अपने कई घरों में भी किया जाता है, कई खेतों में भी करते हैं, तो प्रमुख देश में पानी कौन सा आता है, वर्षा का जो जल बहता हुआ अपने खेत में हो या घर की छत में हो, वो जल है वो पाइपों के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, टांकों में, और वो जल है वो क्या हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। बात आती है इसका आंतरिक भाग है वो किस प्रकार का होता है, टांके का जो आंतरिक भाग है उसमें क्या है कि सीमेंट वगैरह की लिपाई वगैरह की जाती है, जिससे क्या है कि पानी है वो बाहर नहीं निकले, पानी सूखे नहीं, और ऊपरी भाग किसका निर्माण होता है, सीमेंट और पत्थरों से इसका निर्माण किया जाता है। इस पर हमने पढ़ा कि जो ये टांका है ये पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है, इसका आकार गोल और चौकोर होता है और इसके साथ ही क्या है कि जो घरों में भी और खेतों में भी प्रमुखतः इसका निर्माण किया जाता है। बात आती है जल स्वावलंबन योजना के तहत कुछ टांकों का निर्माण, जल स्वावलंबन योजना यानी जल को बचाने के लिए भी सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई है जल स्वावलंबन योजना, इसके तहत भी लोगों को सुरक्षा देने के लिए पानी से खेतों में प्रमुखतः टांकों का निर्माण, कुछ टांकों का निर्माण किया गया है ताकि उनकी आवश्यकता है वो ग्रीष्म ऋतु में पूरी की जा सके। बात आती है जोहड़ की, जोहड़ है प्रमुखतः शेखावटी क्षेत्र में देखने को अधिक मिलते हैं। अब बात आती है शेखावटी क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन कौन से जिले आते हैं, तो ध्यान रखना चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये प्रमुखतः शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक राज्य और है जहाँ पे प्रमुख रूपतः जोहड़ का निर्माण किया जाता है, वो है हरियाणा। तो इस प्रकार जो राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र है और हरियाणा क्षेत्र है वहाँ पे प्रमुखतः किसका निर्माण किया जाता है, जोहड़ का निर्माण किया जाता है।
अब बात आती है कि इसकी जो आकृति होती है, इसको बनाने का जो तरीका होता है वो किस प्रकार का होता है या किसके समान होता है। तो इस जोगड़ की जो आकृति होती है वो टांके के समान होती है। टांके के समान इसमें क्या है कि लिपाई वगैरह की जाती है, सीमेंट पत्थरों का यूज किया जाता है, आंतरिक भाग में लेप किया जाता है। अच्छा, लेकिन कुछ विशेषताएं इसकी अलग है जो टांके को जोगड़ से अलग करती है। बात इसका आकार कैसा है, इसका आकार गोल व चौकोर होता है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होता है वो काफी बड़ा होता है। इसकी गहराई होती है वो गहराई भी ज्यादा होती है, इस कारण क्या ये टांके से काफी अलग दिखाई देता है। जोहड़ का ऊपरी भाग खुला, जोहड़ का जो ऊपरी भाग होता है वो खुला होता है, वो ढका हुआ नहीं होता। जैसे अपन ने बात की टांके में, टांके का ऊपरी भाग है वो सीमेंट और पत्थरों से क्या है कि ढका हुआ होता है लिपाई करके, उसका यूज करके। जबकि जोहड़ क्या है, जोहड़ का आवरण क्या है, क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है उसका वो पूर्णतः खुला होता है और पानी इकट्ठा होता रहता है उसमें। वर्षा जल एकत्रित करना, जोहड़ का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है वर्षा के जल को एकत्रित करना। जब वर्षा का जल बहता हुआ आता है तो वह जोहड़ में कुछ ढलान की स्थिति बनी होती है, जिस कारण क्या है कि पानी जोहड़ में इकट्ठा हो जाता है और उस पानी का उपयोग है वो अन्य प्रकार से सिंचाई में, कृषि में, यानी बहुत से प्रकार में किया जाता है। मानव व पशुओं के लिए उपयोगी, जो ये जोहड़ का पानी इकट्ठा होता है ये बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और इस जल का उपयोग क्या है कि स्वच्छता के आधार पे मानव के पेयजल के रूप में किया जाता है, पशुओं के पीने के रूप में किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पे अगर किसी क्षेत्र में अगर जोहड़ का निर्माण अधिक किया गया है तो कुछ लोग इसका जो उपयोग है वो सिंचाई कार्य में भी लेते हैं। बात आती है आगे बेरी या छोटी कुई। कुछ स्थानों पे क्या है कि हमारे राजस्थान में बेरी व छोटी कुई भी बनी हुई है, जो क्या है कि घरेलू उपयोग है या अन्य संसाधनों में इसका उपयोग किया जाता है। तो बात आती है प्रमुखतः कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बेरी या छोटी कुई का निर्माण किया गया है। तो बेरी और छोटी कुई भी क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में अधिकता है। जो अपन ने बात की थी ऊपर है कि जो अजमेर है, जोधपुर है, बूंदी है या अन्य जो स्थान है अपने जिलों के, वहां प्रमुख रूप से ये जो है छोटी कुई या बेरी हमें को देखने को मिलती है। बात आती है कि इसका जो निर्माण होता है वो कितना गहरा गड्ढा खोद के किया जाता है, कितनी इसकी गहराई होती है। तो ध्यान रखना इसकी गहराई कम से कम क्या है, 5 से 6 मीटर का जो गड्ढा खोदकर है वो बेरी या छोटी कुई का निर्माण किया जाता है। तो इसकी गहराई क्या है, अधिक होती है ताकि अधिक पानी उसमें इकट्ठा किया जा सके। बात आती है कि जो बेरी है या छोटी कुई है इसकी जो लंबाई व चौड़ाई कितने फुट होती है। तो ध्यान रखना गहराई की बात की थी अपने 5 से 6 मीटर की और बात है अब इसकी चौड़ाई की, चौड़ाई और लंबाई इसकी कितनी होती है। तो ध्यान रखना 2 से 3 फुट तक इसकी चौड़ाई है, उसका क्षेत्रफल है वो होता है। बात आती है कि दीवारों को पत्थरों से बांधना, इसका निर्माण ऐसे किया जाता है कि अंदर के जो पत्थर होते हैं वो पत्थर एक दूसरे सटे हुए होते हैं, एक दूसरे चिपके हुए होते हैं, जिसके कारण क्या है कि पानी है वो आसपास का जो क्षेत्र है मिट्टी वगैरह है उससे उसमें रिस के धीरे धीरे पानी आता रहता है। बात आती है भूमिगत जल का रिस कराना, यानी भूमि के अंदर जो जल इकट्ठा हो गया है। वर्षा जल क्या होता है कि भूमि के ऊपर ठहरता है और कुछ समय के बाद में वो पानी कहाँ चला जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है। और वो क्या है, बाद में जब ये छोटी बेरी या कुई बनी होती है तो उसमें रिस के जो पत्थरों को हमने बांधा था उनके द्वारा इसमें क्या है, पानी इकट्ठा होता है। तो भूमिगत जल में क्या है कि वृद्धि भी होती है और ये छोटी बेरी या कुई है इनमें जल भी इकट्ठा हो जाता है। बात आती है ग्रीष्म ऋतु में लाभदायक, जब वर्षा काल समाप्त हो जाता है और पानी की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है तो उस समय क्या है कि छोटी बेरी वह कुई काम आती है और इस जल का उपयोग है मानव पेयजल के रूप में और अपनी अन्य आवश्यकताओं के रूप में इसका उपयोग करता है। बात आती है कि स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे इसका नाम हमने बताया बेरी या छोटी कुई, तो स्थानीय भाषा में जो लोग है इसका जो नाम लेते हैं प्रमुख रूप से इसको बेरी कहा जाता है। अब आती है अन्य संसाधन खड़ीन की, खड़ीन है वो किस दृष्टि से प्रमुखता उपयोगी है, किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। तो ध्यान रखना खड़ीन है वो कृषि व पेयजल की दृष्टि से उपयोगी है, कृषि कार्य में सिंचाई के लिए उपयोग में पानी उसका लिया जाता है और मानव की पेयजल की आवश्यकता भी इसमें पूरी होती है। बात आती है कि जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई तकनीक, बात आती है कि खड़ीन का निर्माण है वो किन लोगों के द्वारा किया गया, किन लोगों ने इसका निर्माण किया गया, वो कौन सी जाति के थे और कौन थे। तो ध्यान रखना जैसलमेर क्षेत्र के जो पालीवाल ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों के द्वारा क्या है इस तकनीक का निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि खड़ीन का निर्माण है वो किसके द्वारा
तकनीक को अपनाया गया। तो ध्यान रखना, जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा प्रारंभ में खड़ियन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। बात आती है पहाड़ी भागों में ढलान वाले स्थानों में दीवार बनाकर जल को रोकना। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पानी ठहरता नहीं है, वहाँ पे इस पानी को रोकने के लिए जो ढलान वाले क्षेत्र है वहाँ पे क्या है कि कुछ दीवारें बनाई जाती है ऊंची ऊंची, जिससे क्या है उस ढलान वाले पहाड़ी में जो पानी बह रहा है उस पानी को रोका जा सके और रोका जाके उसको एकत्रित किया जा सके। तो प्रमुख रूप से पहाड़ी भागों में ढलान वाला जो स्थान होता है वहाँ इनको बनाया जाता है। बात आती है आपस में एक से अधिक खड़ियन का जुड़ना। जब दीवार बना के इनको रोका गया जाता है तो क्या है कि जब एक दीवार का जो पानी है वो भर जाता है पूरा अंदर का, तो बाद में वह दूसरी खड़ीन में चला जाता है। इस प्रकार एक से अधिक खड़ीने हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती है। जब एक खड़ीन में जब पानी भर जाता है तो जब उसके ऊंचाई स्तर से जब पानी बहने लगता है तो एक दूसरी खड़ीनों को आपस में सटाकर बनाया जाता है, एक दूसरे के पास में नजदीक एकदम होती है। तो क्या है एक खड़ीन से दूसरे खड़ीने पानी चला जाता है, उसमें रास्ते बनाए जाते हैं ऐसे कि जब उसका जल स्तर भर जाए तो दूसरी जो खड़ीन है उसमें पानी पहुंच जाए। तो बात आती है अतिरिक्त जल का दूसरी खड़ीन में पहुंचना, यानी जो जल अधिक है जो उसमें नहीं आ रहा वो क्या है कि जो पास में खड़ीन बनी हुई है उसके सटाकर जो खड़ीन बनी हुई है उसमें वो पानी पहुंच जाता है और दूसरी खड़ीन भी भर जाती है। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है आगे, एक दूसरे खड़ीन में जब पानी भरता जाता है तो आगे से आगे क्रम चलता जाएगा और खड़ीनों में पानी की पूर्ति है वो पानी भरता जाएगा। बात आती है भूमिगत जल में वृद्धि। प्रमुख रूप से जो खड़ीन है उससे बनाने में भूमिगत जल में वृद्धि होती है, क्योंकि भूमि का जो पानी है, भूमि के ऊपर सतह पर जो पानी है वो धीरे धीरे क्या है कि रिसता हुआ पानी है वो जमीन के अंदर चला जाता है। खड़ीन का पानी है वो ज़्यादा बहकर नहीं जाता, वहीं उसी स्थान पर सीमित रहता है और धीरे धीरे वो पानी है आवश्यकता उसके उपयोग में ली जाती है और जो पानी बच जाता है या धीरे धीरे पानी वो कहाँ समा जाता है, भूमि के अंदर समा जाता है और भूमिगत जल में इसे क्या होती है मात्रा में वृद्धि हो जाती है। बात आती है प्रमुखता है ये जो खड़ीन का जल है ये कौन सी फसलें ऐसी है जिनमें लाभ होता है, तो ध्यान में प्रमुख से फसलें तीन प्रकार की होती है, रबी की, खरीफ की और जायद की। लेकिन जो खड़ीन से जो प्रमुख रूप से लाभ होता है वो होता है रबी और खरीफ की फसल में। तो बात आती है कि रबी की कौन कौन सी फसलें हैं जिससे इसको लाभ होता है, तो गेहूं और दाल है उसको खड़ीन का जो जल होता है इकट्ठा किया होता है उससे लाभ होता है। बात आती है खरीफ की फसल की कि खरीफ में कौन कौन सी फसलों के लिए लाभदायक होता है, तो ध्यान रखना चावल, मक्का, बाजरा में लाभदायक होता है। इस प्रकार क्या है कि पेयजल के रूप में काम आ रहा है, ये पशुओं के काम में पीने के रूप में आ रहा है, सिंचाई के रूप में काम आ रहा है, साथ में जो रबी और खरीफ की फसल है उसके लिए भी क्या है ये पानी है वो लाभदायक होता है, उपयोगी होता है। अब आती है जल स्वावलंबन की। जल है उसको किस प्रकार हम सुरक्षित करें, किस प्रकार उसको बचाएं कि वह आगामी भविष्य में जो पीढ़ियां आगे आएगी उसके लिए भी पानी है वो उचित मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो ध्यान रखना इसके लिए आवश्यक है कि वर्षा जल को खराब होने से बचाना व संरक्षण करना। वर्षा का जो जल होता है उसको व्यर्थ नहीं बहने देना, जो पानी बह रहा है उसका इस प्रकार से कुछ जल स्रोत निर्माण करना, घरों में व्यवस्था करना, खेतों में अपने क्या है कुंड वगैरह बनाना, छोटी नाड़ी वगैरह बनाना, तो ऐसा निर्माण किया जाए कि वर्षा का जो जल है वो एक बूंद भी क्या है बहकर व्यर्थ नहीं हो, वो डायरेक्ट ऐसे स्रोतों में चला जाए, ऐसे संसाधनों में चला जाए कि वो पानी इकट्ठा हो जाए और जब जल की किल्लत हो, जल की समस्याएं हो, तब उस जल का उपयोग किया जा सके। तो ध्यान रखना कि जल है वर्षा का उसको खराब होने से बचाना है और उसका क्या करना है संरक्षण करना है, उसकी सुरक्षा करनी है। बताती है पानी के लिए पैदल नहीं जाना पड़े मिलों। अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखता क्या होता है कि वहाँ पे जल संसाधन के उपयुक्त स्रोत नहीं है, वहाँ पे पानी के कनेक्शन नहीं है, तो प्रमुखता जो जल होता है वो जो वर्षा जल का है वो ही इकट्ठा होता है, उसी का उपयोग करते हैं। तो अगर वर्षा जल को हम उचित तरीके से उपयोग कर लें तो महिलाएं जो 2-3 मील पैदल चल के पानी लाती है उस समस्या का समाप्त हो जाएगी। पहले की बात करें तो महिलाओं को कई कोसों जाके पानी है वो सर पे धर के रख के लाना पड़ता था, जबकि अब धीरे धीरे इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जल स्रोतों और बांधों का नष्ट होना, धीरे धीरे क्या है कि पहले जो सेठ थे, साहूकार थे, बंजारे थे या स्थानीय नागरिक थे, वो जब किसी विशेष उपलब्धि पे प्रमुख रूप से क्या करते थे कि जल स्रोतों का निर्माण करते थे ताकि क्या है कि स्थानीय आवश्यकताएं पूरी की जा सके, और उन्होंने जिस उपलब्धि के रूप में इसका निर्माण किया गया है वो उपलब्धि सालों साल लोगों की याद रहे, सालों साल लोग उसका स्मरण करते रहे।
तो इस दृष्टि से उनका उपयोग, लेकिन वर्तमान में क्या है कि धीरे धीरे इनका कार्य है कम होने लगा, और जो बांध तालाब और ये बने हुए हैं इनका भी क्या है मरम्मत का कार्य, इनका सुधार कार्य नहीं करवाया जा रहा, जिसके कारण क्या है कि धीरे धीरे ये बांध तालाब है ये भी क्या है जो बने हुए वो भी खराब होते नष्ट होते जा रहे हैं। जल क्रांति अभियान, अब इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए, इन समस्याओं को पूर्णतः सही करने के लिए, सुधार करने के लिए जल है वो अभियान प्रारंभ किया गया, ताकि लोगों को अधिक से अधिक इसके बारे में जागरूक किया जा सके, उनको चेतना दी जा सके, ताकि वो जल के महत्व को समझे और जल का उचित उपयोग करते हुए जल की बूंद बूंद को बचाए। जल के संरक्षण व सुरक्षा के लिए समय समय पे मुख्यमंत्री के द्वारा क्या है कि समय समय पे आवश्यक स्थानों पे ये जल स्वावलंबन की प्रयोग जो है चरणों में, कई चरणों में इसको प्रारंभ किया जाता है, ताकि क्या है कि स्थानीय आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति की जा सके और लोगों को जल की समस्याओं से नहीं जूझना पड़े, लोगों को मीलों दूर जाके पानी नहीं लाना पड़े। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पानी का संरक्षण और प्रबंधन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो योजना है उसका प्रमुख उद्देश्य है पानी का उचित प्रबंध और उसकी व्यवस्था करना, और जब उचित प्रबंध और व्यवस्था हो जाती है तो पूर्ण रूप से उसके देख रेख का कार्य करने की जिम्मेदारी भी क्या होती है कि जिन्होंने निर्माण किया उनकी और स्थानीय नागरिकों की होती है। बात आती है किसानों, खेत व पशुपालकों की मदद करना, जब इन्हें जल स्रोतों का निर्माण किया जाता है तो प्रमुख रूप से स्थानीय जो किसान हैं, खेती करने वाले हैं, या जो मजदूर वगैरह हैं, या जो पशुपालक है, उनकी प्रमुख रूप से मदद होती है, क्योंकि क्या है कि किसान है प्रमुख रूप से कृषि कार्य पर निर्भर है, और पानी कई बार है वो कृषि को उपलब्ध होता है, कई बार उपलब्ध नहीं होता। तो जब इन जल स्रोतों का निर्माण होता है तो जब उनको जल की आवश्यकता होती है, जब कृषि कार्य वगैरह करते हैं तो उनको जल उपलब्ध हो जाता है। बताती है पानी की प्रत्येक बूंद का उचित उपयोग करना, पानी को है तो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना, चाहे वो नहाने के रूप में हो, चाहे वो सफाई के रूप में हो, चाहे वो इमारतों के निर्माण में हो, चाहे पानी को रिफाइन करना हो, तो किसी भी प्रकार से क्या है पानी की बूंद बूंद का उचित उपयोग करें, उसको बर्बाद न होने दें। बात आती है कि मुख्यमंत्री जो जल स्वावलंबन योजना है उसको कितने चरणों में प्रारंभ किया गया, कितने उसके भागों में अलग अलग डिवाइड किया गया था, तो प्रमुख रूप से जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है वो दो चरणों में प्रारंभ की गई थी, और दो चरणों में प्रमुख उद्देश्य रखा गया था कि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी, पानी को उपलब्ध करवाना, और अधिक से अधिक गांवों और जिलों को जोड़ना, ताकि उनकी पानी की समस्या को दूर किया जाए। बात करते हैं हम पहले चरण की, जो प्रथम चरण है वो कब प्रारंभ हुआ था, जनवरी 2016 में प्रथम चरण को प्रारंभ किया गया था, और ये चरण कब तक चला था, जून तक चला था। बात आती है कि इस प्रथम चरण में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, ध्यान रखना इसकी जो लागत आई थी कुल प्रथम चरण की वो 1270 करोड़ रुपए थी, वो इसकी लागत आई थी, कुल खर्चा हुआ था, और कुछ अन्य खर्च भी उस समय लगे थे, लेकिन जो अनुमान है, आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, वो ये बताते हैं कि 1270 रुपए इसमें करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बात आती है कि तालाबों, कुंड, बावड़ियां और टांके का निर्माण, यानी प्रथम चरण के तहत प्रमुखता किन स्रोतों का, जल स्रोतों का निर्माण किया गया, कौन कौन से स्रोत है वो गांवों में या आवश्यक स्थानों में बनाए गए, तो ध्यान रखना तालाब है, कुंड है, बावड़ियां है, जोहड़ है, ये प्रथम चरण के अंतर्गत इन स्रोतों का, जल स्रोतों का निर्माण सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत प्रथम चरण में करवाया गया था। बात आती है कि इससे कितने निर्माण कार्य कुल किए गए थे, 94,000 निर्माण कार्य हैं वो इन्हें कुओं के, तालाबों के, बावड़ियों के किए गए थे, तो प्रथम चरण प्रमुख तय वो निर्माण कार्यों से संबंधित था, न कि मरम्मत कार्यों से, सुधार कार्यों से संबंधित था। तो इसमें अधिक से अधिक जल स्रोतों का निर्माण किया गया, और क्या है कि अधिक से अधिक गांवों को है वो आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया, गांवों को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, यानी एक गांव है उसमें जल इतना उपलब्ध हो जाए कि उसको दूसरे स्थान पर जाके जल नहीं लाना पड़े, मीलों पैदल नहीं चलना पड़े। तो प्रमुख रूप से जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि गांव है वो जल के मामले में पूर्णतः क्या है आत्मनिर्भर हो जाए, यानी किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहे, दूसरे स्थान पे उनको जाना नहीं पड़े। बात करते हैं द्वितीय चरण की, जो द्वितीय चरण था वो कब प्रारंभ किया गया, पहला चरण अपने जून में खत्म हो गया था, और द्वितीय चरण है वो दिसंबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, दिसंबर 2016 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है उसका दूसरा चरण प्रारंभ किया गया था। बात आती है कि इससे कितने शहरों का लाभ हुआ, प्रमुखतः राजस्थान के 66 जो शहर है उनको इससे लाभ हुआ, और प्रत्येक जो शहर है उससे 2 जिलों को इसमें जोड़ा गया था। तो इस प्रकार 66 अपने शहर जोड़े गए, और प्रत्येक से कितने को लाभ हुआ, 2 जिलों को इससे लाभ हुआ प्रत्येक शहर के। बात आती है निर्मित कार्यों की, तो इसमें तालाब और बावड़ियों की मरम्मत हमने बात की थी,
प्रथम चरण में जल स्रोतों का निर्माण किया गया था और जो द्वितीय चरण है उसमें जो तालाब है, बावड़ियां हैं, जोड़ है, उनका प्रमुख रूप से सुधार कार्य किया गया, उनकी मरम्मत का कार्य किया गया, उनकी देखरेख के कार्य किया गया, जो उसमें त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, जो टूटे फूटे हैं या कहीं खड्डे वगैरह बने हुए हैं उनको सही करना, ताकि वर्षा का जल है वो अच्छी तरीके से शुद्ध रूप से स्वच्छ रूप से संचित हो सके, इकट्ठा हो सके। बात आती है कि द्वितीय चरण में कुल लागत कितनी आई। जब प्रथम चरण की अपने बात की थी वहां लागत कुछ कम थी, जबकि द्वितीय चरण में क्या है कि लागत बढ़ गई, 2100 करोड़ रुपए की कुल लागत है वो द्वितीय चरण के अंतर्गत आई थी। बात आती है कि ये जो द्वितीय चरण था ये अभियान कितने समय तक चालू रखने का प्रयास किया गया, तो इस प्रयास था 4 साल तक इस अभियान को चलाना, ताकि पूर्णतः वो जल स्रोत है वो बनाए जाए, सुधार कार्य किया जाए और जो स्थानीय जनता है उसको जल की समस्याओं से निजात व छुटकारा दिलाया जाए। बात आती है कि जो ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है इसके तहत कुल कितने गांवों को इससे लाभ हुआ, कितने गांवों का इससे विकास हुआ, कितने गांव हैं तो इसमें सुरक्षित हो गए जल के मामले में। तो ध्यान रखना जो 21,000 गांव हैं उनको इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत लाभ मिला है, फायदा मिला है और ये जो गांव है ये पूर्ण रूप से जल के मामले में क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए।